गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं हूँ किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हुए। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ छोले पूड़ी। कल बनाए थे छोले, बहुत सारे बच गए थे। एक भैया भाभी आए हुए हैं तो कल हम रात को चले गए डिनर के लिए बाहर, बहुत सारे छोले बच गए। मम्मी गुस्सा कर रहे थे तो मैंने कहा चलो अब इसे यूज़ तो करना है तो पूरी बना देती हूँ। छोले पूरी का अच्छा कॉम्बिनेशन है, ब्रेकफास्ट भी अच्छा हो जाएगा और फिर भैया भाभी के साथ मुझे जाना है मार्केट। जल्दी जल्दी से अच्छे से ब्रेकफास्ट इनको करा कर इनको मार्केट लेके जाती हूँ। भाभी मेरे साथ किचन में यहाँ गोसिप करने आई हूँ। भाभी ने देखा कि सडनली कैमरा लगा हुआ है और फिर भाभी बोली कि यार आप वीडियो शूट कर रहे हो। मैंने कहा हाँ वीडियो शूट कर रही है, तो वो फिर भाभी को थोड़ा सा शर्म भी आ गई। फिर भाभी बोली कि कोई नहीं चलो। फिर भाभी मेरे साथ थोड़ी देर गॉसिप की और फिर हमें फटाफट से ब्रेकफास्ट करके ना मार्केट भी जाना है, थोड़े से मार्केट के काम है तो इनको फटाफट से ब्रेकफास्ट करा के इनको मार्केट लेके जाती है। तो यहाँ देखिए पारवी को सुबह उठते ही इसको चाहिए कार्टून। कार्टून में जो भी बच्चे करते हैं ना एक्टिविटी सेम कॉपी करती है और इतना खुश होती है ना, सुबह उठते ही इसको कार्टून मिल जाए बस और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ मैं ब्रेकफास्ट कराकर सबको और बर्तन वर्तन अच्छे से क्लीन करके और मैं आ गई हूँ मार्केट में। भाभी को सामान लेना था तो मैंने कहा चलो आपके पसंद का ही दिलवा देती हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ जाती हूँ ना गुड़गावा और वहाँ पर फिर भाभी मुझे मार्केट लेके जाते हैं, लेकिन मार्केट घर से बहुत दूर है तो वो बहुत डेली डेली जाना पॉसिबल नहीं होता छोटे छोटे सामान के लिए। तो भाभी कह रही थी कि मैं आई हुई हूँ तो मुझे थोड़ा सा सामान दिला दो। फिर हम आ गए सामान लेने के लिए और यहाँ पारवी की शरारतें भी शुरू हो गई। भाभी ने अपनी चॉइस से ली लिपस्टिक, मैंने भी ले लिया, साथ में गई हो तो मुझे भी मन कर ही गया मैं भी ले लेती हूँ। और ये देखो पारवी की हरकतें, ये ऐसे ही करती है हमेशा, कहीं भी जाएगी इसको अपनी जिद मनवानी हो तो नीचे लेट जाएगी और फिर जब इसकी जिद मान लो तो ये इतनी ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर मस्ती करने लगी। एंड वहां से सामान लेने के बाद हम आ गए पारवी की फुटवेयर लेने के लिए, जो कि इसने अपनी चॉइस से ली। भैया इसकी गोदी में उठाकर लेके बैठे थे लेकिन वो ना और चप्पल दिखाने लग गए तो इसने रोना शुरू कर दिया कि नहीं जो मैंने पसंद किया मैं वही लूंगी, मैं दूसरी चप्पल ट्राई भी नहीं करूंगी। क्योंकि ये लड़की है और लड़कियों की यही आदतें होती हैं कि एक बार जो पसंद आ गया वो तो लेना ही लेना है, देखना भले ही बहुत सी चीजें हैं लेकिन लेना वही है जो मुझे पसंद आ गया। और इसने अपने हाथ में ही पकड़ ली भाई मुझे ये लेनी है और एक चप्पल पहन ली, तो लालच तो खत्म होता है नहीं ना हम लड़कियों का। एंड यहाँ पर हम और भी चीजें देखने लगे लेकिन फिर हमें कुछ इतना खास लगा नहीं, तो हमने एक फुटवेयर लिए पारवी के जो कि इसको बहुत अच्छे लगे थे। एंड उसके बाद मेहुल को लेना था थोड़ा सा सामान, इसको दिलाया और फिर चले हम घर को। घर पहुंचने के बाद मेहुल के हो रहा था पैरों में दर्द तो ये अपना बैठ गया फुट मसाज करने के लिए, इसको तो हमेशा डेली ही चाहिए होती है। फुटबॉल खेलता है ना इसके पैरों में ज्यादा दर्द रहने लग गई है तो फिर ये बोलता है कि मम्मा मैं तो फुट मसाज कर रहा हूँ। भाई भाभी ने तैयारी कर ली जाने की, बोल रहे थे कि बहुत लेट हो रहा है नहीं तो हम लेट हो जाएंगे, घर पे बहुत कम है और भैया की मीटिंग भी है। तो यहाँ भाभी सबको पैरा पैरा करने लगी और फिर जाने के लिए तैयारी की। तो मैं इनको सी ऑफ करने के लिए बाहर गई कि चलो छोड़ के आती हूँ कहीं वापिस से ना आ जाए, जस्ट अ जोक। एंड यहाँ मेहुल देखो सामान लेके खड़ा है कि चलो भाई अब देर क्यों कर रहे हो, मैंने सामान उठा ली है। पारवी सोई हुई थी, इसको सोए हुए उठा के लेके गाड़ी में बैठते ही ये उठ गई। गाड़ी में बैठते ही इसकी नींद खुल जाती है, बट ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी सी हो गई थी। नींद में बच्चे उठ जाते हैं ना तो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो अभी बज रहे हैं 2:30 और आज मेरी मेड भी नहीं आई तो मुझे करनी पड़ रही है सफाई, लेकिन उससे पहले मैंने कर ली वीडियो एडिट और उसके बाद मैंने किचन साफ की। आधा घंटा बैठ गई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी और अभी भैया भाभी गए थे तो जस्ट उनके जाने के बाद झाड़ू भी नहीं कर सकती, बोलते हैं ना कि अच्छा नहीं होता। तो मैंने एक घंटा आराम से और काम कर लिया और उसके बाद अब मैं सफाई करने लगी और दोपहर को लंच टाइम भी है तो फिर मैंने कहा फटाफट से सफाई कर लेती हूँ। भैया गंदगी में तो हमसे बैठा नहीं जाता, कुछ लोग तो क्या करते हैं ना कि अगर मेड नहीं आई तो छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे से ऐसा नहीं होता, काम तो करना ही है। एंड उसके बाद फटाफट सफाई करके मैं आ गई किचन में दोपहर का लंच बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले हैं तो फिर कई बार बोल देते हैं कि बनाकर रख देती है सब इकट्ठे खा लेते, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ सब इकट्ठे खा लेंगे और उसके बाद फिर पापा भी आने वाले होते हैं ना तो सबका लेट हो जाए तो फिर सबको भूख लगी होती है और मेहुल को तो बहुत ही ज्यादा भूख लगती है तो इसको तो सबसे पहले चाहिए। ये इतनी देर से शोर मचा रहा था मम्मा मुझे कुछ दे दो भूख लगी है भूख लगी है। तो यहाँ हस्बैंड आ गए, हस्बैंड को मैंने खाना खिलाया लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा था खाना खाने का, तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगी आप खा लो। और यहाँ पर हस्बैंड और मैं गॉसिप करने के लिए बैठ गए और जैसे कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन हो रही हो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एंड हस्बैंड के जाने के बाद मैंने किए बर्तन साफ, जो कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मेरा सर भी दर्द कर रहा था, पैरों में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी क्योंकि सुबह मैं काफी देर खड़ी रही थी कंटिन्यूसली, सुबह से लेके 3 बजे 3:30 बजे तक मैं अभी तक खड़ी हूँ।
बस 5-10 मिनट बीच में बैठी थी, और उसके बाद इतना ज्यादा ना काम का प्रेशर हो जाता है कि मेरा हेडेक होने लग जाता है। ऊपर से ये ब्लॉगिंग, वीडियो शूट, दूसरे चैनल के लिए एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है। तो यहाँ मैंने बेदिल से बर्तन साफ किए और उसके बाद मैंने कपड़े प्रेस करने थे, लेकिन मैं आकर थोड़ी देर लेट गई। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी भैया कपड़े प्रेस करने की, लेकिन फिर भी काम तो करना ही होता है। थोड़ी देर लेटने के बाद 10 से 15 मिनट फिर मुझे याद आया कि कपड़े बहुत ज्यादा प्रेस करने वाले हैं, अभी तो और सूख भी रहे, तो फटाफट कपड़े प्रेस कर लेती हूँ और उसके बाद मुझे और भी थोड़े काम करने हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर मैंने अभी बेदिल से कपड़े भी प्रेस किए। आज तो ना मेरा कोई भी काम करने का दिल नहीं था, लेकिन सारे काम करने बहुत जरूरी थे, चाहे दिल से करो चाहे बेदिल से करो। तो लेडीज की कोई भी छुट्टी नहीं होती, ये होता है मन करे या ना करे, संडे हो या मंडे हो या वीक में कोई भी डेज हो, उसको तो काम करने ही करने हैं। एंड सर इतना ज्यादा दर्द कर रहा है ना, बस पूछो ही मत। टेबलेट खाइए लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा। एंड अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और मैंने डिनर करवा दिया है, तब मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, मैं भूल गई, सॉरी। एंड इसके बाद यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ बनाना शेक, मन्नू को पीना है बनाना शेक, क्योंकि आज उसकी चॉइस की सब्जी नहीं थी, तो बोला कि मम्मा मेरा मजा नहीं आया रोटी खाने में, तो अब मुझे बनाना शेक बना के दो। तो मैंने कहा चलो मैं भी पी लूंगी और आप भी पी लेना। तो यहाँ मैं बनाना शेक बनाने लग गई और मेरे पीछे पीछे ये कैमरा लेके घूम रहा था कि मम्मा आप व्लॉग बनाना शुरू करते हो लेकिन पूरा नहीं करते, तो पूरा करो। तो मैंने कहा चलो अभी दूध पियेंगे सब और आज का व्लॉग हमारा यहीं खत्म हो जाएगा और इसके बाद मैं करूंगी रेस्ट, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आज थक गई हूँ। तो आई होप आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।